ने भारतीय महिला पहलवानों को जंतर मंतर पर विरोध जारी रखने की अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महिला पहलवान 23 अप्रैल 2023 से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं, जब केंद्र सरकार जनवरी 2023 में आरोपी सांसद के खिलाफ जांच करने और आवश्यक कदम उठाने के लिए खिलाड़ियों से किए अपने वादे को पूरा करने में विफल रही। खिलाड़ियों को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा और माननीय न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई शुरू करने के बाद ही दिल्ली पुलिस ने बहुत देर से आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज की। दुर्भाग्य से उसके बाद दिल्ली पुलिस अपने पांव पीछे खींच रही है और जांच अभियोजन को आगे नहीं बढ़ाया गया है, जबकि खिलाड़ियों ने अपना विरोध जारी रखा और 28 मई 2023 को दिल्ली में एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला। तो दिल्ली पुलिस, जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, ने उनके विरोध मार्च का क्रूरता से दमन किया, उन्हें हिरासत में लिया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उन्हें जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण वाल से हटा दिया। ये पूरी तरह से गलत और अलोकतांत्रिक था। पंचायत में आज कोई ना कोई महिला पहलवानों के पक्ष में बड़ा आंदोलन की रणनीति बनेगी और जब तक महिला पहलवानों को सम्मान, उनका सम्मान वापसी नहीं कराया जाएगा, उनका मांग पूरी नहीं करी जाएगी, जब तक पूरे भारतवर्ष में आंदोलन जारी रहेगा। सभी कार्यकर्ताओं को आज ज्ञापन के माध्यम से कम संख्या में बुलाया गया है, लेकिन आज कुछ ना कुछ वहाँ से सौरभ की पंचायत से फैसला होगा। सब लोग अपने किसान भाइयों और आप भी तैयारी कर लें, कब क्या करना पड़ेगा, तत्पर तैयार रहें रात दिन, एक कॉल में पूरे अलर्ट, जो भी आदेश होगा उसके लिए रात को तैयार। अब किसी को कोई बहाने नहीं चलेगा, ये होगा क्योंकि ये लड़ाई जो है सम्मान की लड़ाई है। अब हमने जो हमारी मांग है चलती रहेंगे, फिर उठते रहेंगे, लेकिन अब हमारे मान सम्मान की बात है, इसमें अगर हम अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, उसके लिए भी हमें तैयार रहना। देखो, ये महिला पहलवानों का जो एक धरना जंतर मंतर पर चल रहा था, वो तानाशाही सरकार के द्वारा 28 मई को बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज द्वारा जबरन बल प्रयोग करके उन महिलाओं के साथ असम्मान का व्यवहार करके वहां से उन्हें उठा दिया गया है। वे महिला पहलवान आहत हुई और अभी आपने एक प्रकरण सुना होगा कि हमने जो मेडल अंतर्राष्ट्रीय मेडल थे उन्हें हरिद्वार गंगा में प्रवाहित करने के लिए जा चुकी थी, लेकिन हमारे चौधरी नरेश टिकैत जी ने जानकारी होने पर हरिद्वार पहुंचे और बड़ी उन्हें उनसे सहानुभूति जताते हुए, बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए उनसे वे मेडल वापसी कराए हैं और उनका पूरा जिम्मा लड़ाई लड़ने का उठाया है। तो उसी उपलक्ष्य में आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर भारत के हर जिला में